नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं HFCL लिमिटेड के बारे में। देखिए, HFCL एक टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। आपको पता है कि टेलीकॉम में बहुत ही ऐसी कंपनियां हैं कि जो बहुत ही कंपनियां पिटी हैं, और अभी उसके बाद जियो पहले फ्री किया था, फिर उसके बाद अभी इतना रिचार्ज महंगा कर दिया, तो मतलब आप समझ लीजिए कितना उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो वो सब चीज़ हम देखते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक काम करेगा। देखिए, ध्यान दीजिए आप, एक साल में इसने एक साल में केवल 88% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका 52 वीक लो है वो है 61.60 रुपये, 52 वीक हाई 135 रुपये के आसपास। जो ROE है 10.22% की है, डिविडेंड यील्ड 0.16% की है, सेक्टर जो पी है 19.54 का है, और जो स्टॉक का पी है वो हाई है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मतलब हमें थोड़ा वाच करना पड़ेगा इस स्टॉक को। जो इसका है सेक्टर पी वो है 52.84 का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो स्टॉक है वो एक स्मॉल कैप है, और 17,427 करोड़ का मार्केट कैप है इसकी। अब यहीं पे हम देखते हैं तीन साल में केवल 40% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें, तो जो 5 साल का रिटर्न है वो है 458% का। तो ये बेहतरीन है, लेकिन अब हमें ध्यान ये देना है कि अभी जो तेज़ी आ रही है टेलीकॉम सेक्टर में, कुछ चेंजेस हो के कुछ ऐसे, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको ज़्यादा ध्यान ये देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बाइंग करें, किस तरीके से सेलिंग करें। और अभी आपको पता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है BSNL के लिए। वो अभी BSNL का फिर से चालू करने जा रहे हैं सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ आपको ध्यान में देना चाहिए, रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक स्टॉक से। तो ये भी स्टॉक एक बेहतरीन है। अभी एक साल के लगभग ये अच्छा रिटर्न दिया है 88% का। थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए इस स्टॉक में, या आप इसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए, इस स्टॉक में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। धन्यवाद।